और एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी एक बार फिर से ग्लोबल लीडर उभार कर सामने आए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पीएम मोदी 76% रेटिंग हासिल करके टॉप पर बने हुए हैं। इंडिया जो है वो इससे जारी बात है अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने जा रहा है और ये एक जिसे वो कहते हैं ना एक उनका जो एक व्यू है, एक वर्जन है कि हमने इस खित्ते को कैसे लेके चलना है। हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया, हम कहते रहे नहीं गया नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है। अपनी कौम के लिए मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली इस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि मुल्क अगर अंदर से इकनॉमिकली मजबूत नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो फॉरेन पॉलिसी उस तरह रोबस्ट हो नहीं सकती। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंडिया की तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हम भी यही सवाल करते हैं कि भाई आपको क्यों नज़र नहीं आता कि मोदी साहब ने जो कुछ किया या जो अभी भी बीजेपी अकलियतों के साथ कर रही है, तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि मजीद उनको आप एम्बोल्डन कर रहे हैं या बेट कर रहे हैं कि आप ये तमाम चीज़ें करते रहें। हमारा भी दुनिया से यही सवाल है और हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया अपना रिएक्शन सही मानों में दिखाएगी। लेकिन इससे एक बात ये बिल्कुल वाज़ेह होती है कि जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो डोमिनेट करते हैं। जो इंटरनेशनल एक ऑर्डर बनना चाहिए था रूल्स पे, प्रिंसिपल्स पे, मॉरल्स पे, वो नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो ये हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में नज़र आता है और ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है, ये दुनिया में हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को अंदर से मजबूत करे, अपनी इकॉनमी को मजबूत करे, अपने सियासी हालात को ठीक करे। तो कोई वजह नहीं है कि दुनिया हमारी तरफ भी देखेगी, हमारी बात ही मान। एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं इस ना इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज को बहुत ही प्रायोरिटी उन्होंने सपोर्ट की। तथा इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को भी प्रोजेक्ट करता है इंडियन ओशन रीजन में, ताकि वो ये बता सके कि भाई इंडिया के पास क्या है इस हवाले से। ठीक है, आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इवन यूएई, सऊदी जैसे कंट्रीज भी हमें इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी कंट्री में विजिट करते हैं, उनको बुलाते हैं। इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्रीज उनको अपने यहाँ के बड़े बड़े अवार्ड्स जो है वो दे रही है, तो फिर उन लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा कि भारत में, या अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ा कुछ गलत किया है, तो फिर ये इस्लामिक कंट्री वाले क्यों इतना ज्यादा उनको हार फूल पहना रहे होते हैं। इवन कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई, हम जो इतना मेडिकल की फील्ड में आपने बोला आगे हैं, तो कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई नहीं, ठीक है, इंडिया ने बनाई नहीं, इंडिया ने भी उन्होंने बनाई, उन्होंने वैक्सीन बनाई, सब चीजों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो बड़ी बात यह है कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देखें जो तुर्की है, उसका जो सदर है तैयब एर्दोगान, उसने हमसे बाद में आके सारा अपना IMF का कर्जा उतारा। अब चाइना को देख लें हमारे से बाद, और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के चक्कर। बिल्कुल, तो वो बनेगी अगर वो, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अभी अमेरिका से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और जैसे ही करेंगे वो सुपर पावर बन जाएंगे। उनके जो इक्विपमेंट है, उनके जो वो उनको क्या कहते हैं उसको,
ओवरऑल जो भी उनकी ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, काफी बेहतर है। अच्छा, आपने ये बोला कि इंडिया की जो अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, तो बहुत आगे हैं। आप क्योंकि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो पूछूंगा मैं आपसे ये कि भाई हम जो यहाँ पे मेडिसिन यूज कर रहे हैं, क्या वो मेड इन इंडिया है, या बड़ी तादाद में मेडिसिन वहाँ से भी आती हैं वाया दुबई, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, अगर आपसे पूछा जाए क्या वजह है कि हम अपनी पॉलिसी खुद नहीं बना पा रहे, जबकि नेबर कंट्री की बात करें रशिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई उन्हें दबाया नहीं जाता। एक्चुअली सर हमारा कोई फोकस नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारी अपनी पर्सनल ज़ात होती है, कंट्री के लिए कोई लोग भी नहीं। मतलब जब भी जब से अगर 1949 से जब से हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने जस्ट अपनी ज़ात को सोचा है, कंट्री के लिए कोई भी हमें अभी तक एक लीडर नहीं मिल पाया ना। जो भी आए हैं वो जस्ट अपनी ज़ात पर खेल रहे हैं, और हम पाकिस्तान जिस मकसद के साथ और जिस नाम के साथ बना था हम उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम अगर बीएंगे मुसलमान अपनी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने और उनकी अडॉप्ट करने चीज़ें, तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आपने बोला 1947-1949 जब से भी पाकिस्तान में जो सियासतदान आए हैं वो अपनी जेब का या पर्सनल अपना सोच रहे हैं, सवाल ये वहाँ पे भी तो ऐसे ही सियासतदान थे, मतलब 1947 से पहले सब एक ही सियासत चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मतलब अगर बात की जाए तो क्या वजह है कि वो ग्रूम हुए, उन्होंने एजुकेशन पर वर्क किया, आज वो दुनिया में किधर चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? डेफिनेट उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, स्पेशली एजुकेशन में हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं, इंडिया की तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते एजुकेशन हो बाकी सारी चीज़ों में। लेकिन जो मेजर फैक्टर यही है कि मतलब कोई भी एक लीड जो करने वाला लीडर हमें मिली ना, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमें लीडर कोई नहीं मिला, इस वजह से हम लोग दूसरे मामलात में इलझा दिया, मतलब इस्लाम के ऊपर खेलते हैं, इस्लाम को मजहब कार्ड खेलते हैं, जिस वजह से हम मतलब बहुत पीछे रह गए हैं। हर चीज़ में मजहब को ले आते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके वक्ती तौर पे जज्बाती जो उनसे वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, नारे लगाते हैं, हम लोगों को इमोशनल्स को यूज़ किया जाता है, जिस वजह से मतलब हमारी नाकामी है, इस वजह से हमारे इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती ना, इवन मतलब सऊदी अरब है या दुबई है या कतर जो बड़ी पावर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान में अलहमदिल्ला बहुत टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन है, लेकिन उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करवाया किसी ने। एक हमें इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, और बड़ी टेक्निकल बात की इन्होंने कि भाई हमें शुरू से मजहब के नाम पे जज्बाती स्टेटमेंट्स को लेके इमोशंस के साथ खेला गया है, ये नहीं बताया गया कि भाई दुनिया कहाँ पे जा रही है, दुनिया एजुकेशन पे वर्क कर रही है, और हम यहाँ पे मतलब ऐसी स्टेटमेंट, हम वहाँ तालिबान में मसरूफ थे, जहाद में मसरूफ थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ थे। और बड़ी बात इन्होंने की कि आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इवन यूएई सऊदीया जैसे कंट्रीज भी हमें इग्नोर करते नजर आ रहे हैं, ये तो हम तो उन्हें बड़ा अपना फॉलो करते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उसकी रीज़न यह है कि सर हम अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़े भी नहीं होते, अगर हमारा कोई भी अगर कोई हमने स्टेटमेंट या हमने कोई डिसीजन लेना है तो वो कोई वो एज ए कंट्री या एज ए मुस्लिम नहीं है, हम बस फॉलोअर बन जाते हैं आरजी तौर पे, मतलब टेम्प्रेरी तौर पे, कोई वहाँ से फ़ायदा मिले, पैसे मिले, डॉलर मिले उनकी तरफ, हमारा अपनी कोई फिक्स पॉलिसी कभी भी नहीं बन पाई कि हमने एक ये चीज़, मतलब अगर मुशर्रफ आए एक बहुत अच्छा डिसीजन है वो कर जाते, जैसे अगर कालाबाग डैम बना जाते, वो एक पावर थी उसके पास उस वक्त, कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान में नून लीग भी